हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन से पहले हमने डिस्कस किया है फाइनाइट ऑटोमेटा को और इवन पुश डाउन ऑटोमेटा को, जो कि हम यूज करते हैं। लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम यूज करते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, और DCFL और CFL के लिए हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी पावर की, तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज हैविंग अ लिमिटेड पावर, मतलब कोई कंपैरिजन वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए और कोई भी नॉन लीनियर पावर वाली नहीं होनी चाहिए। लीनियर पावर हो और कंपैरिजन वहां पे नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर हम बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा की, तो लाइक अगर हमारे पास लैंग्वेज आती है ए पावर एन बी पावर एन, जहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हैं, एक, जैसे ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस के लिए हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। इवन कैसे हम डिजाइन करते हैं ये सारा, जो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस हमने सारी बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि इसके ऊपर काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की पावर की। तो ट्यूरिंग मशीन जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रही है, मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए और DCFL CFL के लिए तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, मतलब उनके लिए तो वो यूज कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लैंग्वेजेस आती है लाइक दिस, ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अब यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंपैरिजन की, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो यहां पे बढ़ गए। यहां पे ए बी और सी तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब ए और बी बराबर होने चाहिए, बी और सी बराबर होने चाहिए, ए और सी बराबर होने चाहिए। तो जहां पे भी नंबर ऑफ कंपैरिजन एक से ज्यादा बढ़ गए, वहां पे पुश डाउन ऑटोमेटा फेल हो जाता है, मतलब वो इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे ज्यादा पावरफुल मशीन चाहिए, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा के पास इनपुट टेप के अलावा एक स्टैक है। तो अगर हम एक की बजाय अब उसको दो स्टैक दे दें, दो स्टैक से हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि दो स्टैक से हम एक्चुअली क्यू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास स्टैक और क्यू दोनों की फंक्शनैलिटी अचीव हो गई, तो ऑब्वियसली दैट मशीन विल बी मोर पावरफुल देन द अदर। सो इनकी पावर जो है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस तरीके से याद रखें कि फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, और उससे ऊपर हमारे पास आता है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा की लैंग्वेज को प्लस एक्स्ट्रा, और इसके बाद हमारे पास जो है वो ट्यूरिंग मशीन, दैट इज द मोस्ट पावरफुल। अब यहां पे अगर हम बात करें ट्यूरिंग मशीन की, तो वो जो पीडीए काम कर रहे हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा काम कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा जहां पे कंपैरिजन आ गए वहां पे उस टाइप की लैंग्वेजेस को भी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है। तो यहां पे हम डिफाइन कैसे करते हैं ट्यूरिंग मशीन को, इन सात टपल से। इजी है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्यू, दैट इज अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, मतलब हम जब इसका डिजाइन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका, जब इसका ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स आर ऑलवेज फाइनाइट, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, वही जैसे हमने पहले डिजाइन की थी। इनपुट सिंबल 01 या फिर ए बी, ये सारे इनपुट सिंबल है। टाउ, ये इंपॉर्टेंट है, टाउ एक्चुअल में टेप के ऊपर, मतलब जो हमारी टेप है, इनपुट आउटपुट टेप है, उस टेप के ऊपर कौन कौन से सिंबल अलाउड है, दैट इज योर टाउ। तो इनपुट सिंबल तो अलाउड है ही, प्लस एक्स्ट्रा सिंबल भी होते हैं। तो आप इसको कह सकते हो कि दिस सिग्मा इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ टाउ। क्यों? क्योंकि टाउ में जो इनपुट सिंबल है लाइक ए बी या 01, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो तो अलाउड है ही। प्लस इसके अलावा लाइक ब्लैंक इज देयर, या फिर अगर हम रिप्लेसमेंट के लिए कई बार इसमें एक्स वाई एक्स्ट्रा सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो एक्स्ट्रा सिंबल्स भी टाउ में अलाउड है। देन ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। क्यू नॉट फाइनल सॉरी इनिशियल स्टेट, बी दैट इज योर ब्लैंक, मतलब ब्लैंक सिंबल्स हम यहां पे लिखते हैं, मतलब जो इनपुट सिंबल है वो तो लिखेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैंक। देन फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, एक्सेप्टिंग स्टेट भी हो सकती है, फाइनल स्टेट भी हो सकती है, दीज आर ऑल द फाइनाइट, मतलब ये सारे जो है वो फाइनाइट नंबर्स में है। अब अगर हम बात करें यहां पे ट्यूरिंग मशीन में, तो इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, दिस इज योर इनपुट आउटपुट टेप, इनपुट आउटपुट टेप। अब इस इनपुट आउटपुट टेप में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस इनपुट आउटपुट टेप में आप जो भी सिंबल लिख रहे हो, और जो भी सिंबल आप लिख रहे हो वो सिंबल्स आपके इनपुट सिंबल होंगे, प्लस उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्लैंक जो सिंबल्स अलाउड है। और यहां पे अगर हम बात करें रीड राइट हेड की, तो ये रीड राइट हेड जो है, जनरली जो हमने पहले इससे पहले पीडीए में डिस्कस किया था, हम सिर्फ यहां से रीड करते थे, लेकिन ट्यूरिंग मशीन में हम इस टेप में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड इज ऑल्सो अलाउड एज वेल एज
राइट इज ऑल्सो अलाउड. राइट का मतलब क्या है? चेंज करना. रीड का मतलब सिंपली रीड करना डेटा को, जैसे ए को रीड किया, बी को रीड किया. और राइट का मतलब क्या है? अपडेट किया. मतलब मैंने लेट्स से ए को रिप्लेस करना है एक्स से, तो ये काम भी मैं कर सकता हूं ट्यूरिंग मशीन में. इस स्टेप में ये अलाउड है, विच इज नॉट देयर इन द प्रीवियस मशीन लाइक डीपीडीए या फिर पीडीए की अगर हम बात करें तो. रीड एंड राइट बोथ आर पॉसिबल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस रीड राइट हेड कैन मूव इन द लेफ्ट एज वेल एज राइट डायरेक्शन. मतलब ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी जा सकता है. और रैंडमली अगर मुझे कुछ पिक करना है तो उसको हम ऑब्वियसली पिक कर सकते हैं. क्यों? हम मूव करके पर्टिकुलर वैल्यू को फेच कर सकते हैं, विच इज नॉट देयर इन द पीडीए. वहां पे हम सिर्फ एक डायरेक्शन में, लाइक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वापस नहीं आ सकते. वहां से सिर्फ हम रीड करते जाते थे जब तक एप्साइलम नहीं आ जाता. यहां पे हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में हम यहां पे मूव कर सकते हैं. रीड राइट हेड दोनों जगह पे मूव कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी पावरफुल मशीन. तो दैट्स व्हाई इट इज पावरफुल, क्योंकि रैंडमली हम कुछ भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ट्यूरिंग मशीन. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे ट्रांजिशन फंक्शन की, तो ट्रांजिशन फंक्शन इसका क्या है? क्यू दैट इज योर स्टेट. मतलब आप किसी भी स्टेट पे खड़े हो, उस स्टेट पे आपने कोई ना कोई पर्टिकुलर सिंबल जो है वो देखा, उस सिंबल के बेसिस पे आप कहां पे जाओगे? आप जाओगे, मतलब जैसे अगर मैं इसको दिखाना चाहूं, लेट्स से मैं क्यू नॉट पे हूं और क्यू नॉट पे मैंने ए को देखा. मतलब जो ट्यूरिंग मशीन है, जो हमारा रीड राइट हेड है, वो भी क्यू नॉट पे है, क्यू नॉट स्टेट पे है. और जैसे ही ए इनपुट हमने देखा, तो लेट्स से हम कहां पहुंच गए? क्यू वन पे पहुंच गए. मतलब हम किस स्टेट पे ट्रांजिशन कर रहे हैं? हम सेम स्टेट पे भी जा सकते हैं, किसी नई स्टेट पे भी जा सकते हैं. कॉमा टाउ मतलब हमने उसको रिप्लेस किया. लेट से मैं ए को रिप्लेस करना चाहता हूं एक्स से, मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, लाइक मैंने उसको ए को रिप्लेस कर दिया. और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? लेट से मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं. तो इस तरीके से हम जो है इसकी ट्रांजिशन डिफाइन कर सकते हैं. ऐसी राइट को भी, ऐसी हम लेफ्ट डायरेक्शन में भी इसकी ट्रांजिशन डिफाइन कर सकते हैं. तो जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है या डिटर्मिनिस्टिक है, उसमें जो है आपके पास च्वाइस नहीं है. या तो आप राइट में जाओगे एक इनपुट के लिए, वैसे तो आप जा सकते हो लेफ्ट राइट में, लेकिन एक इनपुट सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग या तो आप राइट में जाओगे या फिर लेफ्ट में जाओगे. लेकिन इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, उस केस में हमारे पास टू पावर हो जाता है. मतलब ये आपके पास जो है वो फाइनल बन जाता है टू पावर क्यू इंटू टाउ इंटू लेफ्ट राइट. मतलब वहां पे हमारे पास जो है वो चॉइसेस अवेलेबल है. मतलब आपने क्यू नॉट ए उठाया, मतलब क्यू नॉट स्टेट पे थे आप, आपने ए इनपुट देखी, तो आप क्यू वन स्टेट पे पहुंच गए. आपने लेट से ए को ए ही रखा और आपने राइट डायरेक्शन में मूव किया. या फिर लेट से आप क्यू नॉट पे रहे और आपने लेट से ए को बी में या ए को लेट से एक्स में रिप्लेस कर दिया और आप लेफ्ट डायरेक्शन में चले गए. मतलब यहां पर आपके पास दो चॉइसिस हैं, दोनों चॉइसेस में से आप किसी पे भी जा सकते हो. दिस इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर एंड दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, जहां पे हमारे पास चॉइसेस नहीं होती एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग. कंफ्यूज नहीं होना कि अभी मैंने बोला कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह जा सकते हैं. ट्यूरिंग मशीन का जो रीड राइट हेड है वो राइट लेफ्ट दोनों जगह जा सकता है. मैं सिर्फ एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं कि अगर एक इनपुट है आपकी ए या बी कोई भी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक जगह पे जाओगे इन केस ऑफ स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन. इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक आपके पास चॉइसिस अवेलेबल होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर वन सिंबल. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो रीड राइट हेड है, एक तो वो दोनों तरफ मूव कर सकता है और दूसरा ये रीड और राइट दोनों कर सकता है. तो ये जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्यूरिंग मशीन की. अब इसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए कि ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है. थैंक यू.